हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वर्स 24/7। आज हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के यूनिट 2 का पार्ट 2। लास्ट चैप्टर में हमने हमने देखा था कि हमने ये कर लिया था, रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये हो गया था। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर्स हो गया था, डिफरेंट रेगुलेशन इन प्राइमरी सेक्टर, जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर और एग्रीकल्चर, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो तक देख लिया था। अब हम देखेंगे इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री की। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज इक्वली वाइटल सिंस इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड सेल्फ सफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट, जनरेट्स डिमांड फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, प्रोड्यूस ए रिपल इफेक्ट। तो इंडस्ट्री है जो इक्वली जरूरी है इकोनॉमी के लिए, एंड इट्स प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, सेल्फ सफिशिएंसी करता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, डिमांड जनरेट करता है एग्रीकल्चर कम्युनिटीज की, और इसका कंटिन्यूस इफेक्ट रखता है। इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिवाइडेड इंटू फोर सब सेक्टर्स, नेमली माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पावर गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन। तो माइनिंग एंड क्वेरिंग है, उत्खनन बोलते हैं इसको, और मैन्युफैक्चरिंग है, पावर गैस वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विस है, और कंस्ट्रक्शन है। यही चार पार्ट्स में इंडस्ट्री को बांटा गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स रफली 18% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जितने तीनों इंडस्ट्री मिलके जितना आउटपुट करते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, और उसमें 18% सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से आता है, वाइल कंस्ट्रक्शन अकाउंट अराउंड 8% ऑफ टोटल जीवीए। माइनिंग एंड क्वेरिंग एज वेल एज पावर गैस वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विस कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 3% और 2% रिस्पेक्टिवली। तो माइनिंग एंड क्वेरिंग देता है 3% और पावर गैस वाटर अदर यूटिलिटी 2% देता है। तो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा मैन्युफैक्चरिंग का, जो 18% है, और उसके बाद है कंस्ट्रक्शन का 8% है, और बाकी माइनिंग एंड क्वेरिंग का 3 और 2% है। इंडस्ट्री शेयर्स ऑफ जीवीए इंक्रीज फ्रॉम 17% इन 1950-51 टू 29% इन 2021-22। तो 2021-22 में इंडस्ट्री का 29% कंट्रीब्यूशन था टोटल जीवीए के अंदर। द जर्नी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड कैन बी सम अप इनटू फोर फेसेस, इंक्लूडिंग बोथ प्री रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म। ये प्री रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म जो 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये स्कीम आई थी, उसकी बात कर रहे हैं। तो फेज वन है 1951 टू 1965, द पीरियड ऑफ इंडस्ट्री फाउंडेशन। तो इस पीरियड के अंदर इंडस्ट्री का फाउंडेशन रखा गया था भारत में। 1955 टू 1980 द पीरियड ऑफ इंडस्ट्री फॉल। तो इसमें इंडस्ट्री का फॉल हुआ था, गिरावट होने लगी इंडस्ट्री में। 1980 टू 1991 पीरियड ऑफ इंडस्ट्री रिकवरी, इसमें रिकवरी हुई। और 1991 से पोस्ट रिफॉर्म पीरियड जो था, जो आपको भी बताया था मैंने, 1991 बनाया गया, तो उसका बात करेंगे। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन, आईआईपी इंडेक्स, मेजर्स द चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन ईयर। जो आईआईपी इंडेक्स निकाला जाता है वो यही मेजर करता है प्रोडक्शन में कितना चेंजेस आया। इसमें बेस ईयर 2010-2011 लिया जाता है। इट इज एन इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ इन ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो द ग्रोथ इन यूज बेस्ड सेक्टर ऑफ बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखो बेसिक गुड्स क्या होता है। बेसिक गुड्स जो कि हम डायरेक्ट यूज करते हैं, जैसे कि क्लॉथ, हम कुछ खाने की चीज, फूड, ये भी बेसिक गुड्स है, ठीक है। कैपिटल गुड्स होते हैं जो कि कैपिटल, जैसे कि एसेट मान लो आप, जैसे किसी गुड्स को बनाने के लिए, बेसिक गुड्स को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जो मशीनरी चाहिए होती है, उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो ये कैपिटल गुड्स को बनाने के लिए, जैसे कि मशीन बनाने के लिए जो औजार चाहिए, जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए, जो पुर्जे चाहिए, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इट इज एन कैलकुलेटेड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, जो मोस्टली मंत्रालय के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, विच ऑल्सो कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। तो ये कोर इंडस्ट्री के भी इंडेक्स को कैलकुलेट करता है, जिसमें अपनी, आपको पता होना चाहिए कि अपनी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल,
crude oil, natural gas, cement or fertilizer are considered as coal industries. ठीक है, अब हम बात करेंगे सर्विसेज की. द सर्विस प्रोड्यूस इनटेंजिबल और इनविजिबल गुड्स फॉर बिजनेस एंड वेल एज कंज्यूमर. तो सर्विसेज के अंदर क्या कि आपको हमने सर्विस दी तो वो कोई गुड्स नहीं है, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा कि वो सर्विस दी है. जैसे डॉक्टर ने आपको कंसल्टेंसी दी तो वो एक सर्विस है, लेकिन वो कोई गुड्स नहीं बेच रहा आपको. तो इसी तरह से ट्रेड, रिपेयर, होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंसिडेंटल टू ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, फाइनेंशियल, रियल इस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज आर ऑल सब सेक्टर्स ऑफ सर्विस सेक्टर. तो ये सब चीजें सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं जिसमें गुड्स नहीं दिए जा रहे, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं. फाइनेंशियल सर्विस, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी ओनरशिप, प्रोफेशनल सर्विस, कम्युनल, सोशल, पर्सनल सर्विस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड अदर सर्विस आर ऑल पार्ट ऑफ सर्विसेज. द सर्विस सेक्टर प्रोपोर्शन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 33% टू 1950 टू 53% इन 2021-22. तो 1950 से लेकर 2021-22 तक सर्विस सेक्टर 53% ग्रो की, 53% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी का. और ये सभी सेक्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर्स का पार्ट है. एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन चैप्टर 9 ऑफ यूनिट बजट 2019-2020 द सर्विस सेक्टर अकाउंट्स 54% ऑफ इंडिया ग्रॉस वैल्यू एडेड. तो सर्विस सेक्टर 54% कंट्रीब्यूट करता है जो कि बजट 2019-20 में बताया गया था, और इसमें वो बता रहा था 53% जो 21-22 के बजट में था. इट्स ग्रोथ रेट मॉडरेटेड टू 75% इन 2018-19 फ्रॉम 8.1% टू 2017-18. तो जो 2017-18 में ये ग्रोथ जहां 8.1% हो रही थी, वो 18-19 में 7.5% से इन सर्विस सेक्टर ग्रो किया. द सेगमेंट दैट सा डेसिलेशन आर टूरिज्म, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस. तो इन सभी सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली है. फाइनेंशियल, रियल इस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस कैटेगरीज एक्सिलरेटेड. तो और ये तीन सेक्टर्स के अंदर तेजी देखने को मिली है, मतलब ये सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है. एंड इम्पोर्टेंट फाइंडिंग इज दैट इंडिया सर्विस सेक्टर डज नॉट जनरेट जॉब इन प्रोपोर्शन टू इट्स शेयर इन जीबीए. तो इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जैसे सर्विस सेक्टर जैसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन उस रेशो के अंदर, उस प्रोपोर्शन के अंदर वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा इतनी. और इंडिया में आज भी मतलब सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर सेक्टर देता है जिसका शेयर सबसे कम है जीबीए के अंदर. दिस कंट्रास्ट विद द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस. इंडिया रिसीव 10.6 मिलियन फॉरन टूरिस्ट इन 2018-19 कंपेयर टू 10.4 मिलियन इन 2017-18. तो इंडिया को 2017 के अंदर इंडिया को 10.4 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट मिले और 2018 के अंदर 10.6 मिले. लेकिन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में बात करें तो 27.7 बिलियन 2018-19 में मिले, जो कि 17-18 में 28.7 मिलियन मिले. तो टूरिस्ट बढ़े, लेकिन फिर भी उसका टूरिस्ट से जो कमाया गया पैसा है वो कम हुआ. मैनी ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर सच एज बैंक क्रेडिट्स टू सर्विस सेक्टर डेसिलेटेड इन 2018-19. तो बैंक क्रेडिट भी सर्विस सेक्टर में कम हुआ है 2018-19 के कंपेरिजन में देखे तो. हाउ एवर द आई टी बी पी एम ITBPM होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री ग्रो टू 8.4% इन 17-18 टू 167 बिलियन एंड इट इज एस्टिमेटेड टू रीच 181 बिलियन इन 18-19. तो ITBPM इंडस्ट्री का ग्रो देखी गई है 2017-18 से लेकर 18-19 के अंदर. एज पर द फाइंडिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मौसमी मंत्रालय मतलब ईयर 2019-20 द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इज जीबीए 55.3%. ये एनएसओ जो निकालता है मौसमी मंत्रालय के अंदर ये जो आता है,
उसने फाइंडिंग किया है कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 55.3% था, विद ब्रेकअप फॉलो 18.3% इन ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, 21.4% इन फाइनेंशियल रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्विसेज, और 15.6% पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। ये इसका ब्रेकअप है। एज पर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 बाय द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड कार्ड, जिसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में, इंडिया 2020 वाज फिफ्थ लार्जेस्ट रिसिप्टेंट ऑफ एफडीआई। 2020 में इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट था एफडीआई के मामले में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। द इंडिया इज मेड अ ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ बीइंग अमंगस्ट द टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टर कंट्रीज। तो सर्विस एक्सपोर्ट करने में इंडिया टॉप 10 कंट्री में शामिल था। इंडिया एंड इंडिया डोमिनेंस इन सॉफ्टवेयर इज ग्लोबली रिस्पेक्टेड। ऑन द टोटल नेट सर्विस एक्सपोर्ट अबाउट 40% परटेन्स टू सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में इंडिया का 40% कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड में सर्विस सेक्टर को एक्सपोर्ट करने में। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इन सेकेंडरी सेक्टर, तो इसमें हम एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर में, रूरल प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से, अर्बन में देखेंगे मेल फीमेल और टोटल। तो जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें रूरल तो आप ऑब्वियसली की ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, 66.6% है, सेकेंडरी सेक्टर में 16% और सर्विस सेक्टर के अंदर 17.4%। अर्बन के अंदर सर्विस सेक्टर ज्यादा 60% है, सेकेंडरी 31% है और प्राइमरी 9% है। अब इसमें प्राइमरी सेक्टर में मेल देखते हैं 43% और सेकेंडरी के अंदर 25% और सर्विस के अंदर 30%, और फीमेल प्राइमरी सेक्टर में आज भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, 62%, सेकेंडरी में 20% और सर्विस में 17.2% और टोटल 48, 24, 26। मैन्युफैक्चरिंग इंप्लॉयज रफली 12% ऑफ लेबर फोर्स, मैन्युफैक्चरिंग 12% लेबर फोर्स सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से आती है। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नोन एज थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर क्रिएटिंग मास एम्प्लॉयमेंट फॉर लो स्किल्ड वर्कर इन द मॉडर्न इकोनॉमी। तो मैन्युफैक्चरिंग में लो स्किल्ड वर्कर काफी योगदान देते हैं, विद एग्रीकल्चर कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड जॉब रैपिडली बिल्डिंग। एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट अभी काफी तेजी से गिरने लगी है। मॉडर्न सर्विस सेक्टर इज लिमिटेड एबिलिटी टू अब्सॉर्ब रिलेटिवली अनस्किल्ड लेबर, और जो मॉडर्न सर्विस सेक्टर है उसमें अनस्किल्ड लेबर की काफी कम जरूरत है, तो अब स्किल्ड लेबर का ही जरूरत है सर्विस सेक्टर के अंदर। डिस्प्लेस द एग्रीकल्चर होप्स आर दैट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल जनरेट मास एम्प्लॉयमेंट। अब होप यही है कि मैन्युफैक्चरिंग मास एम्प्लॉयमेंट देगा। द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन द कंट्री। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो एग्रीकल्चर के बाद वो सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर एग्रीकल्चर। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ ए कंट्रीज इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एज वेल एज की इनपुट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कंस्ट्रक्शन सोशियो इकोनॉमिक भी करता है, इकोनॉमिक में भी डेवलपमेंट करता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी तो सोशियो इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, क्राइम कम होगा और सब, तो करके बोल सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट में भी सहायता करता है। द सेक्टर प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ इनपुट टू अदर सेक्टर वाई बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। इट इज कॉन्सिक्वेंटली क्रिटिकल दैट द फंडामेंटल एक्टिविटीज इज नर्चर्ड इन ऑर्डर टू अचीव हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ। सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, टाइल्स, सैंड, एग्रीगेट फिक्सचर, फाइलिंग, पेंट्स, केमिकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, पेट्रो प्रोडक्ट्स, टिम्बर, मिनरल प्रोडक्ट्स, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक्स आर ऑल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये सभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। द इंडियन कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इट इज पोजिशन फॉर एन स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है, एज वेल एज पीपल एस्पिरेशन ऑफ हायर लिविंग स्टैंडर्ड, और इसी से ही लोगों का हायर लिविंग स्टैंडर्ड भी होता है। द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंप्लॉय 31 मिलियन पीपल अराउंड, मतलब 3 करोड़ से भी ज्यादा, एंड अकाउंटिंग अराउंड 8% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो टोटल इंडिया की एम्प्लॉयमेंट का कंस्ट्रक्शन अकेला कंस्ट्रक्शन 8% देता है।
अब देखते हैं सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो मतलब अभी आगे आने वाले कौन से सेक्टर हैं जो इंडियन इकोनॉमी में भागीदारी देंगे। सनराइज सेक्टर इज वन ऑफ दैट इज स्टिल इज इन इन्फेंसी, मतलब अभी शुरुआत में ही, अभी अपने बचपन में ही ऐसे बोल सकते हैं, बट हैज द पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ। द सेक्टर इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट, हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन एंड हाई लेवल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस विद इन्वेस्टर्स अट्रैक्टेड टू इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। बस हम ये कह सकते हैं जो अभी सनराइज सेक्टर्स हैं तो उसमें अभी बहुत ग्रोथ करना अभी बाकी है, लेकिन वो जो सेक्टर होगा वो ग्रोथ पे, उसकी इनोवेशन पे डिपेंड करेगा, पब्लिक अवेयरनेस होगी उसमें और इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेके। एग्जिस्टिंग इंडियन इंडस्ट्री दैट मे बी कैरेक्टराइज एज सनराइज सेक्टर आर लाइकली टू बेनिफिट द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन, बिजनेस ग्रोथ। जो भी एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं उसमें हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जो सनराइज सेक्टर है हम बोल सकते हैं कि वो कि इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा और बिजनेस ग्रोथ करेगा इन द फ्यूचर, जिसमें है ग्रीन एनर्जी, फिनटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रिटेल सेक्टर, प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड अदर इमर्जिंग सेक्टर। इन सभी को हम फ्यूचर सनराइज सेक्टर्स बोल सकते हैं, ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज पार्ट ऑफ सनराइज सेक्टर। अब एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि चार ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा सनराइज सेक्टर है, तो आप इनको याद कर लीजिए। अब देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है, वह सेक्टर जिसमें फिक्स आवर्स काम करना हो, मंथली इनकम मिलती हो, जॉब सिक्योरिटी हो, ठीक है, और किसी न किसी एक्ट के तहत वो रेगुलेट हो रही हो, तो इन सभी को ही हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जिसका ओनरशिप इंडिविजुअल के हाथ में हो या किसी फर्म या प्रॉपर्टीशिप के हाथ में हो, ठीक है, उसमें वर्किंग आवर कोई प्रायर डिसाइड ना हो, ठीक है, वेजेस जो मिलती हैं वो डेली बेस पे मिलती हो, ठीक है, इन सबको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसको, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज वन इन विच जॉब टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड एम्प्लॉइज आर गारंटेड वर्क, ठीक है, तो जॉब टर्म्स फिक्स्ड होती हैं, रेगुलर होती हैं और एम्प्लॉई को गारंटेड वर्क मिलता ही मिलता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग, इंटरप्राइज, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिट्स रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। ये सभी मैन्युफैक्चरिंग, इंटरप्राइज, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट है। इट इज ऑल्सो कंप्राइजेज लीगली लाइसेंस स्टोर्स, क्लिनिक्स, ऑफिसेज। द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज लोअर अनएम्प्लॉयमेंट देन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब टर्म्स आर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट एंड एम्प्लॉइज हैव गारंटीड वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे बैंक में ले लो कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, स्टेबल जॉब है और सोशल सिक्योरिटी आपको मिलती है इसमें, और लाइसेंस बिजनेस है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन द अदर हैंड इज वन इन विच एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट डिफाइंड एंड रेगुलर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट टर्म्स डिफाइंड भी नहीं होती है एंड इंटरप्राइजेस आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, और इंटरप्राइजेस कोई भी गवर्नमेंट पर रजिस्टर नहीं होते। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वर्कर्स एंड दोज ऑपरेटिंग इन टाइनी वर्कशॉप्स अनएफिलिएटेड विद द गवर्नमेंट आर द पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वर्कर, ये सभी हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं और जिसमें गवर्नमेंट का कुछ रजिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है उसके अंदर। होम बेस्ड वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और वेज वर्कर आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है। लो वेजेस, अनस्टेबल एंड इरेगुलर वर्क एज ए लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम लेजिस्लेशन एंड ट्रेड यूनियन कैरेक्टराइज द इंडस्ट्री। तो इसमें वेजेस, लो वेजेस मिलते हैं, अनस्टेबल होता है, कभी काम बहुत ज्यादा, कभी बिल्कुल काम नहीं है, इरेगुलर वर्क है, कभी आप 10 रात को लेट तक भी काम कर रहे हो, कभी सुबह जल्दी भी आ रहे हो, तो इरेगुलर वर्क है। लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द लेजिस्लेशन एंड ट्रेड यूनियन, और आपका एक्सप्लोइटेशन हो सकता है वहां पे, तो उसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर रिलाइज हैवीली ऑन लेबर और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो लेबर पे और घरेलू टेक्नोलॉजीज पे ही आधारित ज्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू NCEUS, नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैटेगराइजेशन,
The unorganized sector comprises of all unincorporated private enterprises owned by individual household engaged in sale and production of goods and services operated on a property and partnership basis with fewer than 10 total workers. So NCEUS ke according unorganized sector mein wo private enterprise hote hain jo individual और हाउसहोल्ड्स मतलब कोई घर के समूह या क्लोज फ्रेंड्स के द्वारा एक सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब सेल और प्रोडक्शन कुछ ऐसा किया जाता है जिसमें टोटल 10 लोगों से कम लोग काम करते हैं तो उसे हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। हाउएवर इन फॉर्मल वर्कर्स आर डिफाइंड एज दोज हु वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड फर्म्स और फैमिलीज एक्सक्लूडिंग रेगुलर वर्कर्स विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड वर्कर्स इन फॉर्मल सेक्टर हु डू नॉट गेट एनी employment benefits social security from their employees matlab informal worker wahi ho gaye jise koi social security aur koi regular work nahi milta to use hi hum unorganized sector bolenge। ab hum isme thoda difference dekh lete hain meaning kya hota hai। it is sector where the employment terms are fixed regular or employment get assured to isme regular fixed income milti hai employee आपको इश्योर करता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी है। और अनऑर्गेनाइज्ड में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स व्हिच आर लार्जली नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट। तो ये बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं और किसी भी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर नहीं होते। गोंड बाय मतलब किसके द्वारा इसे गोंड किया जाता है। वेरियस एक्ट्स लाइक फैक्ट्रीज एक्ट बोनस एक्ट पीएफ एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को इन एक्ट के अंदर काम करना पड़ता है। तो उसको अपने एम्प्लॉय को फिक्स पीएफ के अंदर अमाउंट देनी होती है। मिनिमम वेजेस से कम वेजेस नहीं दे सकते उसको। फैक्ट्रीज के अंदर उसको पूरी सिक्योरिटी मिले वो एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है। गवर्नमेंट रूल स्ट्रिक्टली फॉलोड किए जाते हैं और इसमें कोई गवर्नमेंट रूल फॉलो नहीं किया जाता। रेमुनरेशन रेगुलरली मंथली सैलरी होती है, इसमें डेली वेजेस होते हैं। तो इसके अंदर ये भी नहीं सिक्योरिटी होती कि नेक्स्ट डे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। जॉब सिक्योरिटी यस वर्कर्स एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें ऑर्गेनाइज्ड के अंदर जॉब सिक्योरिटी रहती है और अनऑर्गेनाइज के अंदर कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन। इसको किसी बिना रीजन से भी उसको निकाला जा सकता है। वर्किंग आवर इसमें फिक्स्ड होते हैं और इसमें नॉन फिक्स्ड होते हैं। सैलरी ऑफ वर्कर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इस डेजिग्नेशन के लिए इतनी सैलरी तो मिनिमम होनी चाहिए। लेस देन द सैलरी प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट, इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉइज का एक्सप्लॉइटेशन होना एक आम बात है। तो इसमें सैलरी मतलब प्रिस्क्राइब करने के बावजूद उसको कम दी जाती है। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर, यस इसमें कंट्रीब्यूशन देना अनिवार्य है, इसमें नहीं दिया जाता। इंक्रीमेंट वंस इन अ व्हाइल, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उसको इंक्रीमेंट देना ही पड़ेगा चाहे वो कितने भी समय के बाद दे, लेकिन उसको वंस इन अ व्हाइल देना ही पड़ेगा। इसमें बहुत रेयरली देखा जाता है कि इंक्रीमेंट मिला हो। बेनिफिट एंड परक्विजिट, एम्प्लॉइज गेट एड ऑन बेनिफिट लाइक मेडिकल फैसिलिटीज पेंशन लीव ट्रेवल कंपनसेशन एक्सेट्रा। तो इसमें आप सभी बेनिफिट्स और परक्विजिट दिए जाते हैं, इसमें नहीं दिए जाते। एग्जाम्पल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर एक्सेट्रा, तो इसमें अपनों को भी जोड़ लो जैसे बैंकर, तो वो इस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के एग्जांपल हैं। शॉपकीपिंग फार्मिंग डोमेस्टिक वर्कर सेक्टर का, तो इसमें ये सभी एग्जांपल हैं। स्ट्रीट वर्कर्स देख लीजिए और लेबर देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन लेबर देख लीजिए, वो सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का ही पार्ट है। तब हम अब समअप कर लेते हैं पूरे चैप्टर का। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर देयर इज अ डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग फ्यूल मेटल मिनरल्स एक्सेट्रा। तो प्राइमरी सेक्टर उसको बोलते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट काम में ले जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है, इसको वो सब आता है। तो इसके अंदर जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल यूज होता है उसको प्रोसेस किया जाता है, तो उसे सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज वन इन विच द सेकेंडरी सेक्टर जनरेट्स एट लीस्ट हाफ ऑफ द कंट्री नेशनल जीडीपी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 50% से भी ज्यादा इंप्लॉयमेंट सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर से आती है।
Tertiary sector includes all economic activities that produce services such as education, healthcare, banking, communication, etc. तो टर्शरी सेक्टर के अंदर सर्विस बेस्ड सेक्टर इसको बोला जाता है टर्शरी को, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन ये सब आता है। क्वार्टरनरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज नॉलेज सेक्टर, क्वार्टरनरी को नॉलेज सेक्टर भी बोला जाता है। दैट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज टीचिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये एक टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है वैसे। एग्रीकल्चर शेयर इन द कंट्रीज ग्रॉस इनकम एज डिक्लाइनिंग, व्हाइल द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर ग्रोस एज स्टेडली इंक्रीजिंग। तो एग्रीकल्चर का शेयर अब डिक्लाइनिंग मोड में है और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का शेयर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्रियल शेयर ऑफ जीवीए इंक्रीज नियरली 17% टू 29%। तो इंडस्ट्री का शेयर 29% हो गया है 2021-22 के अंदर। द सर्विस सेक्टर प्रोपोर्शन हैज इंक्रीज टू 33% टू 53%। तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि इसमें 53% योगदान सिर्फ सर्विस सेक्टर से आता है। द कंस्ट्रक्शन इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंप्लॉयमेंट सेक्टर इन द कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। देखो इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर देता है और इंप्लॉयमेंट के अंदर सबसे ज्यादा योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, वो देता है। ठीक है, द इंप्लॉयज ओवर 31 मिलियन पीपल एंड अकाउंटिंग फॉर 8% ऑफ टोटल इंप्लॉयमेंट। ग्रीन एनर्जी, फिनटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रिटेल सेक्टर, प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड अदर इमर्जिंग सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द पार्ट ऑफ सनराइज सेक्टर। तो ये आपको देख याद करने होंगे सेक्टर सभी, इस कौन से सनराइज सेक्टर्स हैं। द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज वन इन विच जॉब टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉयज आर गारंटेड वर्क। द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स कंप्राइज मैन्युफैक्चरिंग, इंटरप्राइज, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिट रजिस्टर्ड इन द गवर्नमेंट। तो ये भी अपनों ने पढ़ा, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर ये है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन द अदर हैंड इज वन विच द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट डिफाइंड और रेगुलर। The enterprise are not registered with the government. Construction workers, domestic workers, street workers and those operating in tiny workshop unaffiliated with the government are part of unorganized sector. So, unorganized sector mein construction worker hote hain, domestic worker, street worker, in sabko salary fix nahi milti, daily wages ke hisab se paisa diya jata hai. To aur inko job security nahi hai, to isko unorganized sector bolte hain aur government ka kisi mein koi haath nahi hota. Theek hai? तो अब हम देखते हैं MCQs कुछ, which is not a component of primary sector. तो agriculture एक part है, fishing एक part है, forestry है, लेकिन construction है जो वो primary sector का part नहीं है, वो industrial sector का part है। एक quaternary sector is part of service sector, ये अभी आपको बताया कि quaternary sector service sector का part है, जिसे tertiary sector भी बोलते हैं। Black revolution is connected to petroleum. ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम का पार्ट है और एक्स है जो सिल्वर रेवोल्यूशन का पार्ट है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट इन नेशनल आउटपुट जीडीपी, सर्विस सेक्टर अभी देखा 53% कंट्रीब्यूट करती है। विच सेक्टर प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी अभी मैंने बताया। तो ठीक है, यहाँ पे वीडियो को अंत करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी उन्होंने एन ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी कर लिया, सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। ठीक है।